नमस्कार दोस्तों, मैं द्रोणाचार्य डायट एंड कोचिंग सेंटर भैरव अलवर राजस्थान से उन सभी अभ्यर्थियों का अभिनंदन में स्वागत करता हूं जो ड्राइवर की भर्ती देखते हैं। आप सभी ड्राइवर भाइयों को जानकारी है कि हर्ष होगा कि इस वर्ष दिल्ली पुलिस ड्राइवर की एक बड़ी रिक्रूटमेंट 1215 पोस्ट के लिए मई के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। जिन भाइयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस HMD नहीं है, तो वो नोटिफिकेशन जारी होने से पहले अपना HMD ड्राइविंग लाइसेंस बना लें। इसका जो पहला प्रकरण रहेगा वो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जो कि 100 नंबर का है, 100 नंबर का रहेगा। इसके चार पोर्शन है। फर्स्ट वन, इसके अंदर रीजनिंग रहेगी। रीजनिंग जो है ये 20 नंबर का आएगा। इसके बाद सेकंड वन इज जीके, जनरल अवेयरनेस, जीके जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज रहेगा, ये भी 20 नंबर का रहेगा। इसके बाद थर्ड पार्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, ये 10 नंबर का रहेगा। जिन भाइयों को मैथ से डर लगता है उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि मैथ का वेटिंग जो है दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर केवल 10 नंबर का रहेगा। इसके बाद चौथा होगा ट्रेड या टेक्निकल जो होगा ये 50 नंबर का रहेगा। इसके बाद सेकंड स्टेप पर पीएचडी होगा। पीएचडी के बाद में तुरंत ड्राइविंग टेस्ट होगा, ये भी पूरा 125 नंबर का रहेगा, 125 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप HMD व्हीकल चलवाएंगे। HMD में एस ऑर्डर ट्रक और बाउंस सीटर बस में से व्हीकल रहेगा जो कि 50 नंबर का है। इसके बाद सेकंड वन LMV व्हीकल चलाएंगे, LMV व्हीकल भी 50 नंबर का है। और थर्ड वन इंटरव्यू रहेगा जो कि 25 नंबर का है। सभी कैटेगरी के लिए इनके जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क है वो 50% रहेंगे, यानी कि 25 नंबर अपने को HMD बस या ट्रक के अंदर लेने होंगे ड्राइविंग टेस्ट में। इस बार 25 नंबर LMV भी लेनी पड़ेगी और 12.5 नंबर अपने को मिनिमम पासिंग मार्क जो है अपने को इंटरव्यू में लेने होंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक अप्रैल 2021 को रिटर्न एग्जाम कोचिंग क्लासेस रिटर्न एग्जाम में स्टार्ट हो रहा है। इसका समय सुबह 9 बजे से रहेगा, 9 AM से रहेगा। इसके अंदर जो ट्रेड या टेक्निकल है 50 नंबर का वो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, और जैसे जैसे मैं ये ट्रेड या टेक्निकल पढ़ाऊंगा इसके साथ साथ आपका इंटरव्यू का पोर्शन जो है इसको भी मैं इसी के साथ कवर करवा दूंगा। तो ट्रेड प्लस इंटरव्यू का मैं कराऊंगा। बाकी और अदर सब्जेक्ट के लिए बढ़िया फैकल्टी रहेगी, 2 दिन की डेमो क्लासेस फ्री रहेगी। तो ट्रेड का मैं आपको एक बार सिलेबस इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। हमारे यहाँ ट्रेड टेस्ट होगा, जो टेक्निकल पेपर होगा, टेक्निकल या ट्रेड टेस्ट, इसको 2 पार्ट में बात कर पढ़ाया जाएगा। नंबर 1 चलेगा, इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो बता देते हैं मेनली। सर, इसके अंदर ट्रेड टेस्ट को 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा। एक में चलेगा व्हीकल मेंटेनेंस, और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो बेसिक पार्ट रहेगा। तो व्हीकल मेंटेनेंस के अंदर गाड़ी के सभी पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा। जैसे इसके अंदर फर्स्ट वन टॉपिक चलेगा एनाटॉमी ऑफ 2-व्हील ड्राइव एंड 4-व्हील ड्राइव, एनाटॉमी ऑफ 2-व्हील ड्राइव एंड 4-व्हील ड्राइव। इसके बाद सेकंड वन जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो चलेगा फुल फॉर्म ड्राइविंग के
कॉम्पिटिशन है एग्जाम के, दो से तीन फुल फॉर्म आती है, जैसे एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीएनजी की क्या होती है, एनबीएस क्या होता है, जीपीएस क्या होता है, पीयूसीसी क्या होता है, इसके बाद एनपीएफआई क्या होता है, सीआरडीआई क्या होता है, एबीएस क्या होता है, इस प्रकार का एक पूरा टॉपिक रहेगा आपके पास फुल फॉर्म का। इसके बाद यहाँ पे आपका इंजन चलेगा, इंजन के बाद में आपको अगला टॉपिक ब्रेक के बारे में भी बताया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्लच चलेगा, फिर इसके बाद में इसमें व्हील टायर एंड ट्यूब, व्हील टायर एंड ट्यूब, इसके बाद में इसके अंदर चलेगा बैटरी सेल रेगुलेटर, बैटरी, फिर इसके बाद इसके अंदर टॉपिक चलेगा सस्पेंशन सिस्टम। इसके बाद चलेगा इसके अंदर कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, फिर नेक्स्ट टॉपिक चलेगा लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन सिस्टम अभी ड्राइविंग कॉम्पिटिशन में काफी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे के पूरे सिलेबस की इंजन जो है रेडी करनी रहेगी। इस पूरे कोर्स के अंदर एक टॉपिक आ रखा है व्हीकल मेंटेनेंस, इसकी वजह से ये पूरा टॉपिक अपने को कवर करना है। इसके अंदर और पार्ट्स भी आएंगे, इसके अंदर और पार्ट्स भी शामिल होंगे, लुब्रिकेशन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, व्हील टायर ट्यूब, क्लिच, ब्रेक। इसके बाद इस तरह दूसरा पोर्शन जो चलेगा वो टोटली बेसिक का चलेगा। बेसिक के अंदर हम आपको डिस्कस कराएंगे, बेसिक जो डिस्कशन चलेंगे इसके अंदर, जो गाड़ी से जो एमिशन निकलते हैं पीयूसीसी, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर करवाएंगे रोड सिग्नल, रोड सिग्नल। दूसरा टॉपिक होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल। इसके बाद थर्ड वन टॉपिक जो चलेगा इसके अंदर चलेगा पुलिस सिग्नल, पुलिस सिग्नल। इसके बाद चौथा टॉपिक चलेगा कि वाहनों से निकलने वाली धुआं, वाहनों से जो धुआं निकलती है जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड्स, इनसे होने वाली मनुष्य को बीमारी, और इनके ऊपर जो भारतीय स्टेट जो रोकथाम के लिए जो चल रही है, जैसे ओवर द वर्ल्ड चलता है यूरो, यूरो फोर के साथ चल रहे हैं, तो जैसे भारत के अगर चल रहा है इसके लिए बी एस सिक्स आ चुका है भारत स्टेट सिक्स, तो इन बी एस सिक्स बी एस फर्स्ट क्या हो रहा है, यूरो फर्स्ट में क्या होगा, इंजन में यूरो सेकेंड में क्या होगा, इसके अंदर क्या करते हैं, इंजन के अंदर डिजाइन में चेंजमेंट करते हैं। इसके बाद इसके अंदर कुछ चलेंगे आपके क्या बात है, फ्यूल सेविंग, तेल की बचत, कुछ टॉपिक चलेंगे आपको ड्राइविंग, हाउ टू ड्राइव, गाड़ी को चलाते कैसे हैं, रोकते कहते हैं कैसे, स्टॉपिंग एंड मूविंग। इसके बाद चलेगा इसके अंदर ड्राइविंग संबंधी मूलभूत बातें। इसके बाद इसके अंदर टॉपिक जो आगे डिस्कस करेंगे वो चलेंगे इसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत आने वाले नियम और धाराएं, सेक्शन 112 गति सीमा के लिए सारे सेक्शन वगैरह और धाराएं वगैरह डिस्कस की जाएगी। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कुछ परिभाषाएं होंगी। इस पूरे प्रोसेस को, मेंटेनेंस को समझाने के लिए हमारे यहाँ एक लैब की व्यवस्था है, लैब का अरेंजमेंट है। पूरे पूरे जो पार्ट्स अपने को नहीं समझ पाएंगे, जैसे वाटर पंप वगैरह हुआ, तो उनको लैब के जरिए अपन देख पाएंगे। और जैसे पूरे पूरे पार्ट्स, इंजन है, कनेक्टिंग रोड है, तो पूरे के पूरे लैब का अरेंजमेंट है। इसके अलावा कोई पार्ट्स अपने को नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए अपने पास प्रोजेक्टर व्यवस्था है, जैसे गाड़ी के अंदर ब्रेक कैसे लगते हैं, गाड़ी के अंदर वाटर जैकेट में पानी कैसे जाता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है प्रोजेक्टर लैब के जरिए डिस्कस किया जाएगा। हर संडे को वीकली टेस्ट सीरीज रहेगा, वीकली टेस्ट सीरीज रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अप्रैल 2021 से सुबह 9 बजे हमारे यहाँ रिटर्न एग्जाम बैच स्टार्ट हो रहे हैं। 2 दिन की डेमो क्लासेस फ्री रहेंगी और कोर्स सेलेक्शन के लिए केवल आपको रेगुलर कोचिंग क्लासेस करना अनिवार्य है, और जितने भी कोचिंग के वीकली टेस्ट सीरीज होते हैं संडे को, वो आपको देने के लिए देना अनिवार्य है। उसके बाद सिलेक्शन का अटैक आप हम पे छोड़ दें। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।